नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आराध्या एकेडमी में। सबसे पहले तो मैं मेरे उन दोस्तों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम दे के आए हैं, दोस्तों मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आपको हार्दिक बधाइयाँ दे रहा हूँ। आप अपने जीवन में सफल हों। तो दोस्तों, जो पेपर हुआ था, हिंदी का पहला पेपर था जिसमें 100 क्वेश्चन आए थे, आज हम उस पेपर के बारे में बात करते हैं। हम उस पेपर का निस्तारण करते हैं, हल निकालते हैं उनका, और वो पेपर आपके पास भी होगा। आंसर मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा, आप देख लेना, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आंसर हम सटीक निकाल रहे हैं, जो भी है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आया था जिसका देखो क्वेश्चन अलग हो सकते हैं दोस्तों, तो मैं आंसर सामने लिखूंगा तुम्हारे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आया, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो दोस्तों आंसर आएगा अल्पज्ञ। आंसर क्या आएगा दोस्तों? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक है दोस्तों? सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है। तो यहां आएगा बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। क्या आएगा दोस्तों? बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, ठीक है दोस्तों? उसके बाद आया, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ये आएगा महातम में। क्या आएगा? महातम में। नंबर 3 का आंसर होगा महाप्लस अमात्य, महाप्लस अमात्य। अगला आया, इसमें इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण है नहीं है? तो आंसर होगा दोस्तों भीतर। आंसर क्या होगा? भीतर होगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में आया, किस निम्न में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? दोस्तों जैसे मैंने पहला वीडियो डाला था आपके लिए वाक्य का, और हमने कहा था कि वाक्य से कम 20 क्वेश्चन आएंगे, सेम इस पेपर में वैसा ही हुआ है जैसा हमने आइडिया लगाया था दोस्तों। तो वहां पर हमने वाच्य का टॉपिक भी डाला था, जिसने नहीं देखा वो देख भी सकते हैं, ठीक है? जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी भी मौजूद है। तो देखो क्वेश्चन था कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। आंसर क्या था दोस्तों इसका? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अगला है दोस्तों, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य दोस्तों, मिश्र वाक्य जानते हो ना, जब एक वाक्य प्रधान वाक्य पर दूसरा उप प्रधान वाक्य आश्रित होता है। तो यहाँ पर की, क्योंकि, जिसका, जिसकी, जिसे, जो, सो आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर था प्रधाना अध्यापक जी ने कहा कि, क्या आंसर था दोस्तों? प्रधाना अध्यापक जी ने कहा कि, कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, कल विद्यालय बंद रहेगा। अगला यार, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो यहां पर था गजानन। कौन सा आंसर है दोस्तों इसका? गजानन, क्योंकि दोस्तों गजानन में बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास होता है, और ये पूछा था कर्मधारय, ठीक है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? तो दोस्तों यहां पर पहला था बीमारी के कारण वाला। आंसर क्या था? बीमारी के कारण। आंसर क्या था दोस्तों? बीमारी के कारण, बीमारी के कारण। दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं, आप मिला लेना उसके बाद में, ठीक है दोस्तों? उसके बाद आया, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है, तो इसका आंसर था दोस्तों रहस्य प्रकट होना। क्या था दोस्तों? रहस्य प्रकट होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आया 10, सही विलोम शब्द है, विलोम युग्म सही है, स्मरण खंडन, खंडन विखंडन, नत विनत, शिष्ट और विशिष्ट। तो यहां पर आएगा स्मरण, ऑप्शन ए स्मरण विस्मरण, स्मरण विस्मरण। दोस्तों स्मरण का मतलब होता है याद करना, और विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। स्मरण तो याद होना, और विस्मरण भूल जाना। अगला आया, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, तो यहां आएगा दोस्तों आज की वर्तमान स्थिति में, आज की वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति में
देश में असमंजस में है, देश असमंजस में है, ये आएगा। अगला था इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, कथन पूछा था दोस्तों। तो पहला आया भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया सॉरी नहीं है पूछा था, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, अन्य पुरुष में होती है और एकवचन में होती है दोस्तों। ऑप्शन बी आया कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में होता है, नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में सॉरी कर्मवाच्य में क्रिया सिर्फ सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं होते। फिर आया कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक, बिल्कुल सही है दोस्तों, कृतवाच्य जो होता है वहां पे क्रिया कर्मक भी होती है और क्रिया सकर्मक भी होती है। फिर आया सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं भी क्या होती हैं, सकर्मक होती है। तो यहाँ आंसर आएगा दो, आंसर कौन सा आएगा दो, और वो है कर्मवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होती हैं। ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे ये वाक्य क्या था, गलत था, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है दोस्तों, ठीक है। अगला आया किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्रिया का टॉपिक दोस्तों मैंने 5 तारीख को डाला था एग्जाम से 2 दिन पहले, और वहां कहा था कि क्रिया से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो देखो पहला उदाहरण आया मजदूर चाय पी रहा है, मजदूर क्या पी रहा है दोस्तों, तो हमारे पास आता है चाय, तो क्रिया है सकर्मक। दूसरा आया बालक बहुत देर से सो रहा है, बालक बहुत देर से क्या सो रहा है दोस्तों, कोई भी आंसर नहीं दे रहा, तो क्रिया होती है अकर्मक, क्रिया कौन सी होती है अकर्मक होती है दोस्तों। अम्मा खाना बना रही है, अम्मा क्या बना रही है, खाना बना रही थी, और रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है पुस्तक। तो यहाँ पे तीन तो क्या क्या जवाब दे रहे थे, लेकिन एक नहीं दे रहा था, तो ऑप्शन वही होगा बालक बहुत देर से सो रहा है, बालक बहुत देर से सो रहा है, बहुत देर से सो रहा है। अगला आया डिस्चार्ज पैशन के लिए पारिभाषिक शब्द सेवा मुक्त आवेदन, क्या आएगा दोस्तों सेवा मुक्त, नंबर 14 सेवा मुक्त, सेवा मुक्त आवेदन। चलिए यहां पे याचिका आएगा दोस्तों, अनुमोचन याचिका, अनुमोचन याचिका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 15 क्वेश्चन आया किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो यहां आएगा आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए, यहां का मतलब क्या है स्थान है दोस्तों, तो यहां बैठिए, आप यहां बैठिए। क्वेश्चन नंबर 16 आया दोस्तों हमारे पास, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है, तो यहां आएगा दोस्तों संप्रदान कारक, कौन सा आएगा संप्रदान कारक आएगा दोस्तों, क्योंकि तो ध्यान रखना कान भगवान ने सुनने को नहीं सुनने के लिए दिए हैं, इसके लिए दिए हैं सुनने के लिए, और के लिए का कौन सा कारक, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कौन सा कारक का है, तो हमारे पास आंसर होता है संप्रदान, कौन सा आता है दोस्तों संप्रदान। अगला आया किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, वापस होना सकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों, तो आया मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से क्या बैठा है दोस्तों, कोई आंसर नहीं है, क्रिया यहां अकर्मक है, ठीक है। किसान हल से खेत जोत रहा है, किसान किससे जोत रहा है खेत, हल से, या हल से क्या जोत रहा है, तो खेत आता है। मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, मोहन बाजार से क्या खरीद रहा है दोस्तों, फल खरीद रहा है। और 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, 3 छात्र पुस्तकालय में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आंसर आएगा मजदूर पेड़ के नीचे, क्या आएगा दोस्तों मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, ठीक है। अगला आया किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, निपात का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों किसी भी शब्द पर जोर देकर बोलना, किसी भी शब्द पर जोर देकर बोलना, और निपात के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए था कि ही तो तक भी,
ही तो तक भी, ये चार वर्ण जहां आए वहां निपात का प्रयोग होता है दोस्तों। तो यहां आया था आप भी आइएगा, आंसर क्या था आप भी आइएगा, आप भी आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आया दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, बे उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला है बेचारा, बे प्लस चारा, बेचान, बे प्लस चान, बेईमान, बे प्लस ईमान, और बेवकूफ। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बेवकूफ, क्या होगा बेवकूफ। दूसरा नंबर 20 आया, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, संधि विच्छेद गलत है। तो दोस्तों यहां पर आएगा मम प्लस इतर, मम प्लस इतर, क्योंकि दोस्तों मम प्लस इतर नहीं होता, इतर होता है। क्या आना चाहिए था, ई आधा तय फिर तय और फिर नहीं आना चाहिए था दोस्तों, तो ये होता इतर, जैसे इतरेतर आता है इतर प्लस इतर, तो वैसे आता है ममेतर, मम प्लस इतर आता, इतर नहीं आता। भाववाच्य से संबंधित वाक्य, भाववाच्य से संबंधित वाक्य, तो दोस्तों पहला देखो, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज क्या नहीं नहाया जाता, नहीं नहाया जाता। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित है या लिखा गया है, तो ऑप्शन ए आएगा दोस्तों, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। क्वेश्चन आया 22, किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है, तो यहाँ आएगा बालक खिल खिलाकर हंस रहा था, बालक खिल खिलाकर हंस रहा था। क्वेश्चन नंबर 23, गणना शब्द क्रिया विशेषण आएगा दोस्तों, कौन सा आएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्या छोटा था क्वेश्चन था, इनमें किन शब्दों की गणना के अव्यय के अंतर्गत की जाती है, तो आएगा क्रिया विशेषण। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, स्वादिष्ट, कौन सा नहीं था दोस्तों, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। क्वेश्चन 24 हो गए दोस्तों, ठीक है फिर हम चलते हैं अगले के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन को धड़ से अलग कर दे, ठीक है, इसमें कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां पर कौन सा नहीं हुआ था दोस्तों, देखो अपादान अलग करना, करण से या से, आ गया संबंध काके की, संबंध क्या आया काके की, अधिकरण आया मे पे पर, तो यहां पर आएगा अधिकरण, क्या आएगा दोस्तों सम अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है दोस्तों अधिकरण, अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ। 26 में लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, तो आंख का अंधा और नाम अंधे, नाम नयन सुख, ये गलत है दोस्तों यहाँ पे। फिर आया कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है, सरोरू है, कौन सा आएगा सरोरू है, ठीक है दोस्तों। फिर आया किस वाक्य में क्रिया की संभावना थे का प्रयोग हुआ है, पच्चीस, 26 और 27। क्वेश्चन नंबर 28 था दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहां पर आएगा लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आएगा दोस्तों, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। फिर आया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को 29
किस नंबर में आएगा? सरोजनी। क्या आएगा दोस्तों? सरोजनी। क्वेश्चन नंबर 30 आया, द्वंद समास का उदाहरण नहीं है शुभागमन। कौन सा दोस्तों? शुभागमन, शुभागमन। 31 नंबर आया, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहां आएगा स्वकीय प्रकीय, स्वकीय और प्रकीय। क्वेश्चन नंबर 32 आया दोस्तों, किस वाक्य में इच्छा वृत्ति, इच्छा, इच्छा को दोस्तों आशीर्वाद भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? आशीर्वाद। तो यहां आएगा ईश्वर सबका कल्याण करे, ईश्वर सबका कल्याण करे, सबका कल्याण करे। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा बुरे भाव से संधि, कूट संधि, कौन सी आएगी दोस्तों? कूट संधि। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों हमारे पास से, निम्न में से शुद्ध शब्द अभिजात्य, कौन सा आएगा दोस्तों? अभिजात्य। फिर आया, किस वाक्य में कर्म कारक है? तो आएगा लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर फेंकता है। क्वेश्चन नंबर 36, सभी परस्पर पर्यायवाची व्योम, नभ और अंबर। क्वेश्चन नंबर 37, तो यहां पर ये पूछा है कि कौन सा शब्द संधि विच्छेद सही है? पितृनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति। क्वेश्चन नंबर 38, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी वाला आएगा दोस्तों, कौन सा आएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, उसके बाद आएगा किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 39 आएगा सदनारी, क्या आएगा? सदनारी। तत्पुरुष समास नहीं है, ऑप्शन डी। 40 नंबर में आएगा पच्युत। ठीक है दोस्तों। 41 नंबर, विदेशी मूल शब्द नहीं है, 41 तंबाकू, कौन सा नहीं है दोस्तों? तंबाकू। और 42 नंबर था, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय तो महावट, कौन सा नहीं है दोस्तों? महावट। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 आया दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमल विमल, अमल विमल, अमल विमल। क्वेश्चन नंबर 44, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है, तो दोस्तों यहां था बालक पतंग उड़ा रहा था, बालक पतंग, पतंग उड़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर 45, अर्थवेद की दृष्टि से सुनगुत भिन्नार्थक शब्द युग्म विकल्प सही है, अपत्य और अपत्य, अपत्य और अपत्य। यह आएगा दोस्तों। अगला आया, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द, 45 था ये, 46 में आएगा, वह विदुषी महिला है, वह विदुषी महिला है। 47, हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल में या तो, या तो का उपयोग हुआ है दोस्तों यहां पर, सावधानी बरतते तो, सावधानी बरतते, बरतते तो दुर्घटना नहीं होते। किस वाक्य में सभी शब्द विशेषण हैं? तो यहां आएगा दोस्तों 48 नंबर में, सी ऑप्शन है, छुटपन, लड़कपन और बचपन, सॉरी धार्मिकता। क्वेश्चन नंबर 49, करण कारक परसर्ग, हम नाक से सांस लेते हैं, हमें नाक से सांस लेते हैं,
अगला है दोस्तों, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द नहीं सही है, तो यह आएगा किशोर अपराधी। कौन सा आएगा? किशोर अपराधी, किशोर अपराधी। कॉमन नंबर में आएगा दोस्तों, पर्यायवाची पूछा था गलत, असूची और लुप्त। 52 नंबर में आएगा पूर्वकालिक, एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का जारी होना। यहां था वह नहाकर पढ़ेगा, वह नहाकर पढ़ेगा। फिर आया किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं, निरांशित का। कौन सा आएगा? 53 नंबर में निरनु सिक्ता। यहां पर दोस्तों निर प्लस अनु, निर भी था और अनु भी था। कौन सा तद्भव शब्द, क्या पूछा दोस्तों? तद्भव शब्द तो यहां आएगा नंबर 54 में एक बजरंग। कौन सा आएगा दोस्तों? बजरंग। 55 में आएगा दोस्तों मित्रवयी अल्पवयी, मित्रवयी और अल्पवयी। अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है 56 नंबर, यहां पर आएगा दोस्तों अवध्य। क्या आएगा? अवध्य। यहाँ पे दोस्तों बनेगा अव प्लस धी, धी तो मूल शब्द और अव उपसर्ग, धी का अर्थ होता है धिक्कारना। धिक्कार क्या होता है दोस्तों? धिक्कारना। फिर आया दोस्तों 57 नंबर में अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, श्रम साध्य। कौन सा आएगा दोस्तों? श्रम साध्य। क्वेश्चन नंबर 58 आया, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। कौन सा आएगा दोस्तों? छिद्रान्वेषी। फिर आया इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे? पंक्ति। कौन सा आएगा दोस्तों? पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 आया, 9 दिन चलेगा 2.5 कोस, काम करने की गति, काम करने की बहुत धीमी गति। फिर आया किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, इच्छक में आएगा दोस्तों प्रति प्लस इच्छा, प्रति प्लस इच्छा। इच्छा नहीं होता दोस्तों, ई बढ़िया की इच्छा होता। फिर आया भाववाचक संज्ञा नहीं है, 62 में आएगा दोस्तों भलाई। क्या आएगा? भलाई। 63 में आएगा दोस्तों आशंका या संदेह होना, आशंका या संदेह होना। क्वेश्चन नंबर 64, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, अल्लाह का प्यारा होना, अल्लाह को प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 65 आ रहा दोस्तों, किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो आएगा अध्याधीन। क्या आएगा? अध्याधीन। क्या है दोस्तों पारिभाषिक शब्द सही है, तो महाधिवक्ता। कौन सा आएगा दोस्तों 66 में? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। 66 तक तुम्हारे सामने दोस्तों, फिर और देखो आगे। नंबर 67 आया, सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो यहां आएगा दोस्तों प्रतिवादी। कौन सा आएगा दोस्तों 67 में? प्रतिवादी। 68 में आएगा दोस्तों आभूषण और मृयुप्रंत, आभूषण
और मरण पर्यंत। दूसरा नंबर 59 आया दोस्तों डेपुटेशन, कौन सा आया डेपुटेशन, अस्थाई नियुक्ति, अस्थाई नियुक्ति। 70 में आया शुश्रूषा, शुश्रूषा। 71 में आएगा दोस्तों विदेशी कक्षाध्यापक, कक्षाध्यापक। संस्कृत पढ़ा रहे थे। फिर आया दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है दोस्तों। क्या आएगा यहां पर देह, कौन सा आएगा देह। फिर आया सभी शब्द तत्सम, सभी शब्द तत्सम हैं तो दोस्तों यहां पर आएगा तेतर, प्रगट, निष्ठुर और पथिक। 74 आया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पड़ोसी, कौन सा आएगा दोस्तों पड़ोसी। फिर आया 75 यहां आएगा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है नेतृत्व, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द सॉरी। तो यहां आएगा चतुरिणी, कौन सा आएगा दोस्तों चतुरिणी, चतुरिणी। 77 किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, परायण। 78 बहुव्रीहि समास है तो यहां आएगा दोस्तों चतुरानन। 79 वाक्य में कर्म कारक नहीं है, कर्म कारक नहीं है, बालक रोते रोते सो गया, बालक रोते रोते सो गया। 80 नंबर में आएगा अविद्या, क्वेश्चन था मानसिक भाव छिपाना। 81 कौन सा आया 81 पूर्णार्थक बोधक पक्ष, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आया दोस्तों मुहावरे का भावार्थ गलत है तो आएगा कन्नी काटना, कौन सा कन्नी काटना। 83 में सरल वाक्य, सरल वाक्य तो था छात्रों ने बहुत, छात्रों ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित भाषण दिया, यह था दोस्तों यहां पर सभी रचित कविता सुनाई ठीक है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा ममता, कौन सा आएगा दोस्तों 84 में ममता। 85 आया डिसिप्लिनिंग ऑथोरिटी संवितरण अधिकारी, कौन सा आया संवितरण अधिकारी, संवितरण अधिकारी। 86 इल प्रत्यय नहीं है शामिल, कौन सा नहीं था दोस्तों शामिल में नहीं है। 87 सही नहीं है मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, फटे हाल होना, क्या आएगा फटे हाल होना। 88 व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द वाक्य नहीं है, वह सदैव ही सत्य बोलता है, असुता दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 89 धनुष का पर्यायवाची विशिख नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों विशिख नहीं है। 90 था अर्धविराम कोमा, 91 झोपड़ी, कौन सा था दोस्तों देशज शब्द है झोपड़ी। किस वाक्य में सत्यात्मक बोधक पक्ष का प्रयोग होता है तो क्वेश्चन 92 में आएगा दोस्तों मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 आया दोस्तों
तो यहां आएगा दोस्तों प्रिफरेंस, प्राथमिकता, पारिभाषिक शब्दावली थी प्राथमिकता। 94 भाववाचक संज्ञा बचपन, 94 में क्या आएगा दोस्तों बचपन। 95 वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, तो क्या आता है दोस्तों मिश्रित काव्य, कौन सा आता है मिश्रित काव्य। दूसरा नंबर 96 घूमने फिरने वाला साधु परिवाचक, कौन सा आएगा परिवाचक। 97 वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना ऑप्शन डी आएगा क्रिया का उद्देश्य और कर्ता को विधेय, क्रिया को 97 क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, ये गलत है दोस्तों, तो ध्यान रखना कर्ता उद्देश्य और क्रिया विधेय कहलाती है। 98 किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है, तो यहां आएगा नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना। 99 संयुक्त वाक्य पूछा था दोस्तों, तो आएगा दरवाजा खुला रह गया, खुला रह गया अतः चोर घर में, चोर घर में घुसे आए। और ये था 100 नंबर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछे थे, तो यहां आएगा दोस्तों व्यथित, क्या आएगा दोस्तों व्यथित। ये रहा दोस्तों हमारा हिंदी का पेपर जो हमने सॉल्व करवाया। और दोस्तों अब सुनो जो काम की बात बताने जा रहा हूं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं ये चाहते हैं कि भैया उन्हें हमें काव्य शास्त्र में कोई दिक्कत आ रही है, या छंद में है, शब्द शक्ति में है, अलंकार में है, रीति दोष ठीक है ना, गुण जो भी है, तो हमारे YouTube पे कमेंट जरूर करें, हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। जय हिंद जय।